सिविल इंजीनियरिंग, CIVIL, सिविल ENGINERING, सिविल इंजीनियरिंग। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन सिविल इंजीनियरिंग होती है जो कि सरकारी और प्राइवेट दोनों जगहों पे कराई जाती है। सिविल इंजीनियरिंग एक टेक्निकल ब्रांच है जिसमें कि मेधावी और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग हमारे देश में काफ़ी साल पहले आ गई थी, पर यहाँ पे तब इंजीनियरों की बहुत कमी थी। आज की डेट में इंजीनियर की कोई कमी नहीं है, पर कुछ साल पहले इंजीनियरों की बहुत कमी थी। तब यहाँ इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं थी। आज की डेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में मिल जाती है। पर बीटेक जो 4 ईयर का कोर्स होता है, उसको करने के लिए आपको पहले डिप्लोमा करना पड़ता है, उसके बाद आपको डिग्री करनी पड़ती है। या तो आपने +2 साइंस साइंस में की हो तो आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग भारत में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज के अलावा और किसी इंस्टीट्यूट में नहीं कराई जाती, ये सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ही कराई जाती है। सिविल इंजीनियरिंग हमारे देश में आज एक ऐसा बन चुका है जैसे पहले के ज़माने में गुरुकुल, बड़े बड़े गुरुकुल होते थे जहाँ पे कि बड़े बड़े लोग पढ़ने जाते थे, वैसे ही आजकल सिविल इंजीनियरिंग हो गई है। सिविल इंजीनियरिंग में हमारे देश में बाहर से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दूसरी कंट्री से भी स्टूडेंट आ रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छे संकेत है कि इंडिया में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छे टीचर्स आ गए हैं, एजुकेशन अच्छी हो गई है, बाहर से बच्चे यहाँ इंडिया में पढ़ने के लिए आ रहे हैं जो कि अच्छे नंबर लेके अपने देश में जॉब कर रहे हैं। तो इंडिया को हम एक एजुकेशन के हिसाब से जो बाहर के देशों को भी एजुकेशन दे रहा है, उसको एक बहुत ही अच्छा संकेत मान सकते हैं, जो कि बहुत ही सही है कि बाहर के स्टूडेंट्स भी इंडिया में पढ़ रहे हैं, बाहर के टीचर्स इंडिया में पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे अच्छी अच्छी पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, जो कि बाहर के देशों के मुकाबले में बहुत ही अच्छा है। कई देश अभी बहुत पीछे चल रहे हैं, पर यह है कि भारत का इस मामले में कुछ ही साल में ये प्रोग्रेस की है। अभी आने वाले टाइम में अगर ये इस स्पीड से अगर भारत चलता रहा तो आने वाले टाइम में अमेरिका से बड़े बड़े वीटो वावर्स कंट्री से भी टीचर्स और स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने के लिए आएंगे। इंडिया को अब 5 और 6 साल और लग जाएंगे ताकि वो दुनिया में ऐसा एक स्थान बन जाएगा कि जहाँ अब आसानी से कोई वीज़ा नहीं लगेगा, कोई किसी भी टीचर को बाहर जाने में दिक्कत नहीं आएगी, बाहर का सिलेबस आसानी से समझ सकता है, समझ लेगा। इंडिया के स्टूडेंट्सों को प्रॉब्लम होती है कि वो बाहर के स्टूडेंट्स ने स्टडी की होती है वो समझ में नहीं आती, क्योंकि इंडिया में हिंदी बोली जाती है और बाहर के देशों में अंग्रेजी और उनकी लोकल भाषाएँ बहुत स्ट्रांग है। पर यह है कि इंग्लिश कंट्रीज़ बोलने वाले बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इसलिए इंडिया इनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए ही इंग्लिश में इंडिया को स्ट्रांग होना पड़ेगा। और इंडिया को इंग्लिश के मामले में ही नहीं, इंजीनियरिंग कैसे पढ़ी जाती है उस चीज़ में भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की जो मशीनें हैं वो इतनी टफ हैं, इतनी प्रोग्रामिंग होती है कि इंजीनियरों के बिना समझना उसको बहुत मुश्किल है। इंजीनियरों उस उनको लाना ही इतना टफ है कि इंडिया में आके मशीनें ख़राब हो जाएंगी। इंडिया में आते ही अगर ले भी आए तो इंडिया में वो ख़राब हो जाएगी, जिसमें कि बाहर से रिप्लेसमेंट के लिए इंजीनियर लाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। इंजीनियरों को इंडिया में ही पैदा इसलिए किया जा रहा है ताकि कुछ मशीनें तो इंडिया में बननी शुरू हो गई हैं, जो कि बहुत सही है, पर यह है कि कुछ टाइम और लगेगा। जो कि एक गुड प्रोडक्ट बनता है वो उस चीज़ का भी इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक इंडिया वेपन्स बाहर से खरीद रहा है, टेक्नोलॉजी बाहर से ही खरीद रहा है, इंडिया में सिर्फ उनको चेक किया जाता है, जो कि कुछ हद तक सही है।